मेरी बात कुरान से टकरा दी, कुरान को अफजलियत दे। मुझे अभी हम गए बाहर जाके हम दिशा पढ़ गए हैं, अब पढ़ने वाले को सोचना चाहिए। खैर 11 बजे ईशा तो भी पढ़ी जाती है, बस लिख दिया लिखने वाले ने सुबह सुबह 11 बजे हमने ईशा की नमाज पढ़ी, बाद जमात पढ़ी। तो पढ़ने वाले को थोड़ी सी शौक चाहिए कि ईशा 11 बजे तो होती नहीं, सुबह कितना रात को होती है। ये हो सकता कज़ा पढ़ी हो तो फिर कज़ा की जमात तो नहीं होती, इसका कभी तो उसको दिन का पता ही नहीं जिसने लिख लिया। ऐसी किताबें आई नहीं हमारे पढ़ने वाले दफा, मैं कह यार पढ़ो तो सही, वो कह रहा है उसका उसको पता ही नहीं है, उसको ये ईशा के टाइम का ही नहीं पता। चलो कज़ा तो पढ़े, कज़ा की जमात तो नहीं होती, कहते जमात से पढ़ी मैंने 11 बजे दोपहर 11 बजे 2 बजे जो उसको जोर और ईशा का पता ही नहीं कि 2 बजे ईशा दोपहर के टाइम जोर होती है कि ईशा होती है। अब पढ़ने वाले को थोड़ी सी शौक तो देंगे, इसलिए आका ने फरमाया कुरान को टटो लो, कुरान को देखो, कुरान से मोहब्बत करो। मुझे राज, मैं मामूली सा इंसान है उसकी बात सबको बता दो, पहली मुलाकात में वो अपना राज नहीं बताता। तो जो कुरान है मुंबई राज, उससे प्यार करेंगे तो फिर वो राज बताएंगे, मोहब्बत उसको बताइए भाई ठीक है बंदा। तो दुनिया दा तब बताते जब उसको यकीन हो जाए कि तो इस वजह से कुरान को मोहब्बत से सीने से लगाएं। अब ये हमारे मोबाइलों ने खराब कर दिया, पहले बंदा वजू करता था फिर कुरान को आता था फिर चूमता था वह सीने को लगाता था फिर बिस्मर को, इतने में गाँव में होता रब खुश हो जाता कि मेरी किताब की कितने अदब एहतराम कर रहा है। अब है नहीं ऐसे खोलते, मेरे समेत ऐसे खोलते हम, ये क्या कोई अदब नहीं कुछ नहीं, इसमें वही गंद है साफ, गद्दा पानी गलास में डाल के कि तत् कोई भी नहीं उसको धोएगा, बल्कि अपना पिया हुआ वो गिलास एकदम रख दे दोबारा उसको कहते धो, अपना पिया हुआ कहते उसको धो ही साफ करो, इधर तो ऐसी बात ही नहीं। इसलिए अल्लाह सारा कुछ कर सकता था, अल्लाह ने किताब को किताब ही कहा, अल्लाह सीनों में ये भी रिस्क है ना, सीना ये कंप्यूटर ही है ना, लैपटॉप है ना, ये जैसे लैपटॉप पढ़ा हुआ उसमें कोई चीज़ नजर नहीं आती, ये भी लैपटॉप है, लेकिन फिर भी किताब का वाला दिया किताब का। कुरान को पढ़ना सुन्नत है, सुनना फर्ज है, क्या कमाल है इसमें, वो जो पढ़ रहे हो सुन्नत वाला काम कर रहे हैं, जो सुनने वाला है फर्ज है, हुक्म है कि सुनो तेरे पे मेहरबानी है। इसमें कितनी बड़ी लॉजिक है, लोग समझते नहीं, हमें दीन मुफ्त में मिल गया बस, इसकी कदम है दीन को। मैं कहता हूँ ये दुआ ठीक है, दुआ अपनी जगह पे, जबले उहद ना होता, जंगे बदर ना होती, जंगे खदक ना होती, आखिर के लिए दुआ कर दे, करबला शरीफ का वाक्या ना होता तो दुआ कर दे, उनसे बढ़ के कौन दुआ कर सकता है। लेकिन जहाँ लड़ना पड़ा लड़ें, हम क्या करते हैं बस तस्वीर ऐसे थोड़ा होता है, तस्वीर को तस्वीर करेंगे भाई। मुझे आका की रहमत आलम नहीं है आपको जगह बदल गई, दादोमान क्षेत्र की क्या जरूरत है, चाचा जान जबले उहद में 30 टुकड़े टुकड़े हमारा कीमा कर दिया उन्होंने, यानी हम गुफ्तगू नहीं कर सकते ऐसा काम किया। चाचा जान से इतना प्यार, जंग की बीच में खुद भी शामिल, तो मैं कुर्बान जाकर कहीं 72 दफ़ा जरा उठाने लगे उनका पड़े लगे, बाकी जनाजे खाते जाते हैं सीधे मुझे हमला कि 72 दफ़ा जनाजा पड़े, तो उधर ही तस्दीक फिर 72 दम दे जाएगी, जनाजा ऐसे थोड़ा बांट रहे थे। अल्लाह में हैर मई में गायब, वो अपने गायब जेड़े उनके भी बांट रहे थे बस आका करीब, लोगों अभी तक 72 दफ़ा क्यों पड़ा गया, अभी तक लोगों को ये समझ नहीं है। अल्लाह अकबर, 72 दफ़ा जनाजा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असल ये देखो बुजुर्ग की मेहरबानी है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया,
मेरा काशी आलमा कराम से बहुत पुराना तल्लक है, लेकिन मैं उनको कहता मेरा आपका दिल नहीं मिलता, दिमाग नहीं मिलता। तो मैंने देखा भी वही बात जो मैं पहले दिन की थी वही आज थी। वो से पाक ने कहा कि इसको इनको ये नहीं पता तुम कौन हो, ये जारी की इज्जत नहीं मानते, बातन को भी जानना चाहिए। बातन तो खा के भी बंदा ईमान ना ले, जो बातन को देख के भी ईमान ना ले उससे बड़ा कोई मुनाफिक हो सकता है? देखिए मैं करूँ मस्जिद बन की जरा कुरान का फैसला है, आका करी नमाज पढ़ाने चल पड़े, हुक्म है ये जरार है, इसको गुराओ भी तो जलाओ भी, गुराओ और जलाओ, बस ये जो चीज़ है तो कोई इस्तेमाल कर सकते ना अकल में। आपने फरमाया जिससे मुनाफ़िकत मनसूब हो जाए ना चीज़ पे, वो चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें भी नुसत हो। झूठे फासिक फाजिर के पीछे नमाज मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या फायदा? आधी नमाजें हमें दरानी पड़ती हैं। असल में बात ये तो मैं सबको आप कह रहे हैं, पहले मैं खामोश था, ये कब्र बताएगी सबको। मैं मीरुल मुजाहिदीन का 8 करोड़ जनाजा हुआ, मीरुल मुजाहिदीन अब उसका बिजनेस चला 8 करोड़ टू मच। हमने वक्त से पहले इनको कहा था लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों जनाजे पे शामिल होंगे, तो हंसते थे लोग कैसे बातें करते हैं। मुझे लगे शाहजी करोड़ बंदा होता है, मैं कह यार मैं 1 करोड़ थोड़ा कह रहा हूँ, मैं 8-10 करोड़ कह रहा हूँ। क्या मैं पागल हो गया इसमें, मैं 8-10 करोड़ बंदा हो तो पूरी दुनिया फतह कर लेता है, ये कह रहे इसके जनाजे में बंदा कहना वो कैसे पहले 15 करोड़ बंदा जनाजे। मैं जिन्ना तो फरिश्तों की बात ही नहीं करता, इतने क्राउड में बंदे गिर जाते हैं, एक बंदे का पाँव नहीं फिसला। ये कहते हैं ये आका इन फरमाया जो मेरा नाम लेते हैं उसकी मीज़ कैसे होना, जो अपने नारे लगाते हैं तो बस पता ही नहीं चला कब मर जाते हैं, घर में छिपाते फिरते हैं, मौलाना साहब हमारे फौत हो गए, चेहरा काला हो गया फां हो गया, चेहरा छिपाने के चक्कर में जनाजा ही नहीं लगाना बता दें, कहते जी फ़र्ज़ कफाया है जी, 4 बंदों ने पढ़ लिया हमने अपनी जाते हैं। फर्ज को पाया, लेकिन जो जिसकी शान हो शान के मुताबिक चलना चाहिए। मुझे आपसे खास में नहीं है असल में ये देखो इन्होंने आज ही सारी की आपने बात को फॉलो करके उनके उधर कर दिया, इनका भी गुम्बद बड़ा होना चाहिए। मैं तो किसी को खूब जानता हूँ, मैं तो ये बात कर दूसरों बंदों को क्या पता होगा ये कौन है, वो तो ऐसे तुम मैंने सारे दोस्तों तो ये वो जाती है चलो, और बंदे और अमरीद और लाद कर देते हैं कि अब्बा जी ने ये कहा था। ये कुरान कहता है वसीयत पूरी नहीं माननी, 30% माननी, 70% अपनी मर्जी करनी, फिर भी बात नहीं मानी जा सकती कि हुक्म वसीयत हो जाए बंदा मर जाए, 70% शोर से काम करना, 30% उसका ख्याल करना है उसके। इतने बड़े बंदे को अपने दिल डाल दिए, किसी को क्या मांगा? वो तो आज से जो प्रवेश होता उसको तो गुम्बद की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं इन लोगों की। ये किसी ने स्टैंड लेना होता है ना, किसी ने तो